हेलो गाइस, दिस इज एडी और आप देख रहे हैं हिंदी ओटाकू। सो गाइस, आज मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ और उस खुशी का मेन कारण है मेरी पिछली वीडियो, यानी कि मेरा हाई स्कूल डीएसडी का जिसमें मैंने रिव्यू दिया था, वो यूट्यूब के मेहरबानी से एज रेस्ट्रिक्टेड हो गई है। अब एज रेस्ट्रिक्टेड होने का मतलब ये होता है कि उस पर्टिकुलर वीडियो को कुछ यूजर्स के लिए इनअप्रोप्रिएट माना जाता है, क्योंकि यूट्यूब के हिसाब से उसमें कूट कूट के न्यूडिटी भरी हुई है। लेकिन मैं आपको चैलेंज करता हूँ, आप उस वीडियो में जाइए, उसे देखिए और मुझे बताइए कि उसमें कितनी न्यूडिटी डाली है मैंने। ऐसे तो पूरा का पूरा सीन चल जाता है, लेकिन एक एनिमे का एक छोटा सा क्लिप भी यूट्यूब से सहन नहीं होता। मुझे ये सच में मुझे नहीं समझ में आ रहा यार, ऐसा क्यों हुआ। खैर छोड़िए, जाने दीजिए उस बात को। तो गाइस, आज हम फिर आ गए हैं एक चाइल्डहुड एनिमे के रिव्यू को लेकर। जी हाँ, आज हम रिव्यू करने वाले हैं पोकेमोन का। अब यार इसे लेके बहुत लोगों का ये मानना है, बहुत लोग ये कहते हैं कि यार इसका रिव्यू देने से क्या फायदा है, बहुत से लोग तो इसे देख चुके हैं। तो यार ये रिव्यू मैं अपने तरफ से दे रहा हूँ ताकि आपकी चाइल्डहुड की मेमोरीज फिर से रिफ्रेश हो जाए, आपको सब कुछ फिर से याद आ जाए। तो यार चलिए शुरू करते हैं। अब पोकेमोन एक शॉर्ट टर्म है जिसका ओरिजिनल मीनिंग होता है पॉकेट मॉन्स्टर्स। पोकेमोन कंपनी मेनली थ्री कंपनीज यानी निंटेंडो, गेम फ्रीक और क्रीचर्स का कंट्रीब्यूशन है, यानी ये तीनों कंपनीज पोकेमोन के सारे कॉपीराइट्स शेयर करती है। स्टिल निंटेंडो पोकेमोन ट्रेडमार्क का मेन ओनर है। ये फ्रेंचाइजी सातोशी ताजीरी द्वारा 1995 में बनाई गई थी। इसका एक फेमस इंग्लिश स्लोगन गोटा कैच एम ऑल तो आप सभी ने सुना ही होगा। तो चलिए यार शुरू करते हैं आज का रिव्यू। पोकेमोन डायरेक्टेड बाय मासामित्सु हिदाका इन 1997 to 2006, देन नोरिहिको सुदो 2006 to 2013, देन तेत्सुओ याजिमा 2013 to 2016, एंड देन दाइकी तोमियासु जो कि 2015 से 2016 तक डिप्यूटी डायरेक्टर रहे, और फिर 2016 से अभी यानी प्रेजेंट तक वो एक डायरेक्टर हैं। इसके अलावा कुनिहिको युयामा जो कि पोकेमोन फ्रेंचाइजी के शुरू से ही चीफ डायरेक्टर रहे हैं। पोकेमोन सीरीज के सीजन्स की बात करें तो अब तक इसके करीब 22 सीजन्स निकल चुके हैं, जैसे इंडिगो लीग, ऑरेंज आइलैंड, जोटो लीग, एडवांस चैलेंज, बैटल फ्रंटियर, डायमंड एंड पर्ल, ब्लैक एंड व्हाइट, एक्स वाई, एक्स वाई जेड और भी बहुत से, जिसमें सबसे पहला सीजन यानी पोकेमोन इंडिगो लीग 1 अप्रैल 1997 को रन किया गया था, और हाल ही में इसका सीजन 22 यानी पोकेमोन अल्ट्रा लीजेंड्स निकाला गया, जिसकी शुरुआत 21 अक्टूबर 2018 से हुई। पोकेमोन के सारे सीजन्स मिलाकर कुल 1066 एपिसोड अब तक बनाए गए हैं, और पोकेमोन के करीब 20 से भी ज्यादा मूवीज बन चुकी हैं, यानी सोचिए 20 से भी ज्यादा। तो कहानी की शुरुआत होती है हमारे स्टोरी के मेन प्रोटैगनिस्ट एश कैचम से। ओरिजिनल जापानीज वॉइस गिवन बाय रिका मात्सुमोतो एंड इंग्लिश डब बाय वेरोनिका टेलर। वेरोनिका ने एश को सीजन 1 से सीजन 8 तक वॉइस दी है। उसके बाद सैरा नाटोचेनी जिन्होंने सीजन 9 से अब तक एश को आवाज दी है, और इसकी हिंदी डबिंग की है प्रसाद बारवे ने। तो एश कैचम पैरेटन में रहने वाला एक 10 साल का बच्चा है जो कि अब एक पोकेमोन ट्रेनर बनने के लिए लीगल एज में आ चुका है, और 10 साल पूरे होने के बाद उस शहर के एक रिसर्चर यानी प्रोफेसर ओक सभी बच्चों को पोकेमोन देते हैं। सो एश जिस दिन पोकेमोन मिलने वाला होता है उस दिन काफी लेट उठता है, और जब वो वेन्यू में पहुंचता है तो उसे पता चलता है कि 3 स्टार्टर जो पोकेमोन ओक बच्चों को देने वाले थे यानी चार्मेंडर, बल्बासोर और स्क्वार्टल, वो ऑलरेडी सबको दे चुके हैं, और अब एश के लिए एक भी पोकेमोन नहीं बचा है। तभी एश को मिलता है पिकाचू, और यहीं से एश और पिकाचू की जर्नी स्टार्ट हो जाती है। दरअसल ये पूरा एंटायर प्लॉट एक ट्रेनर और एक पोकेमोन के ही इर्द गिर्द घूमता है कि वो किस तरह से अलग अलग रीजन में जाते हैं, अलग अलग सिटीज में जाते हैं, वहां अलग अलग बैटल्स लड़ते हैं। यहाँ पर ट्रेनर का सिर्फ एक ही मकसद होता है कि उसे डिफरेंट टाइप्स के पोकेमोन पकड़ने होते हैं, उन्हें ट्रेन करना होता है, उनसे बैटल जीतना होता है, और जब वो पूरी तरह से ट्रेन हो जाते हैं तो जिम में जाकर जिम लीडर से लड़कर उन्हें बैच कलेक्ट करना होता है। वो एक पर्टिकुलर रीजन के पर्टिकुलर बैचेस इकट्ठे करने के बाद एक लीग में हिस्सा ले सकते हैं। एश का सिर्फ एक ही ड्रीम है कि उसे एक पोकेमोन मास्टर बनना है। जैसे जैसे एश अपने जर्नी में आगे बढ़ता है उसको कई नए पोकेमोन्स, कई नए फ्रेंड्स मिलते हैं। तो बस ये कहानी इसी तरह से पोकेमोन, उसके ट्रेनर, बैटल्स, फ्रेंडशिप, फाइटिंग, एक्शन, इन्हीं सबके इर्द गिर्द घूमती है। इस पूरे सीरीज में इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। एश के एडवेंचर्स को देखना, उसके साथ उसके एडवेंचर्स पे चलना, यही सब देखकर हमें बहुत मजा आता है। इस स्टोरी में इन सब के अलावा विलन्स का भी अलग ही रोल है। जेसी और जेम्स जो अब तक के सबसे पॉपुलर विलन्स और सबके मोस्ट फेवरेट विलन्स भी रह चुके हैं, वो पर्सनली मुझे भी बहुत पसंद थे, और सबसे ज्यादा तो म्याउथ।
पूरे सीरीज में म्याउथी एक ऐसा पोकेमोन दिखाया गया था जो कि पोकेमोन लैंग्वेज समझ सकता है और इंसानी भाषा बोल सकता है। तो बस यार इसी तरह से पोकेमोन के बहुत से सीजन्स निकले जिसमें हर सीजन में हमें नए कैरेक्टर्स ऐश के साथ इंट्रोड्यूस कराए गए जिसमें ऐश और ब्रॉक कॉमन थे, मतलब ऐश और ब्रॉक की जोड़ी बहुत समय तक टिकी रही। अब बात करते हैं लड़कियों की, तो हर सीजन में ऐश के साथ कोई ना कोई एक नई लड़की हमें देखने मिली है। सबसे पहले सीजन यानी इंडिगो लीग से लेकर ऑरेंज लीग तक हमें मिस्टी उसके साथ दिखाई दी थी, उसके बाद आई थी मे और इसी तरह से बहुत सारी लड़कियां आई। तो यार सारे कैरेक्टर्स को अगर हम मिला जुला कर देखें तो पोकेमोन में कई कैरेक्टर्स थे जैसे ऐश, ब्रॉक, मैक्स, जेनी, नर्स जॉय, डेलिया कैचर, प्रोफेसर ओक, गैरी, डॉन, पॉल, आइरिस, इरेने और भी बहुत से कैरेक्टर्स थे जो हमें हर सीजन में अलग अलग तरीके से दिखाए गए हैं। इसके अलावा हर सीजन में न्यू स्टार्टर्स थे, जैसे कि पहले सीजन में 3 स्टार्टर थे, चार्मेंडर, बल्बासोर और स्क्वर्टल। उसके बाद आगे आगे जैसे हम बढ़ते गए तो हमने और 3 स्टार्टर्स देखे जैसे कि ओशावॉट, टैपिक और स्नाइवी। उसके बाद हम और आगे बढ़े तो देखा टॉर्चिक, चिमचार और टर्टविक को। इस तरह से हर सीजन में नए नए स्टार्टर्स से हमें इंट्रोड्यूस करवाया गया है। अगर पोकेमोन के एनिमेशन की बात करें तो अगर आप इसका सबसे पहला सीजन यानी इंडिगो लीग देखेंगे और अभी का सीजन देखेंगे तो आपको इसमें एनवायरनमेंट के एनिमेशन में बहुत से बदलाव देखने मिलेंगे, आपको कैरेक्टर्स में बहुत सारे डिफरेंसेस दिखेंगे, उन्होंने बहुत कुछ इंप्रूव किया है। स्टिल यार अगर आप मुझसे पूछेंगे तो पर्सनली मुझे पोकेमोन का सबसे फर्स्ट सीजन ही सबसे बेस्ट लगा था और उसके बाद जैसे जैसे धीरे धीरे आगे बढ़ा, टू बी ऑनेस्ट अगर मैं आपको अपनी बात बताऊं पर्सनली तो मैंने इसका जो लास्ट सीजन देखा था वो था सन एंड मून। उसके बाद से मैंने पोकेमोन अब तक नहीं देखा है और मेरे हिसाब से उसके बाद वो थोड़ा मुझे बोर लगने लगा था, इस कारण मैंने पोकेमोन को ड्रॉप कर दिया। बट सन एंड मून तक मुझे पोकेमोन बहुत पसंद आया। कैरेक्टर डिजाइन और डेवलपमेंट की बात करें तो चूंकि इसके 1000 से भी ज्यादा एपिसोड्स बन चुके हैं तो सभी कैरेक्टर्स को बराबरी से टाइम दिया गया है, उनके कैरेक्टर को अच्छे से डेवलप किया गया है, उनके डिजाइनिंग में हमें बहुत से बदलाव देखने को मिले हैं। तो ये एनीमे हमें किसी भी तरीके से निराश नहीं करता है और हर चीजों में मुझे परफेक्ट ही लगा है। तो बस यार आखिरी में इतना ही कहना चाहूंगा कि पोकेमोन एकदम ही वर्थ वॉचिंग एनिमे है। चाइल्डहुड से तो इसे हम सभी ने देखा है और कहीं ना कहीं किसी ना किसी ने इसे किसी ना किसी सीजन पे ड्रॉप जरूर किया होगा, मुझे पूरी उम्मीद है, क्योंकि इसे अब तक जो देख रहा है वो तो यार सच में मतलब ट्रू फैन होगा पोकेमोन का। इवन मैं खुद को भी ट्रू फैन नहीं मानता क्योंकि मैंने इसे बीच में ड्रॉप कर दिया और अब मुझे सच में देखने का मन नहीं होता, लेकिन फिर भी मैं नए नए पोकेमोन्स के बारे में जानना चाहता हूं। चूंकि क्रिएटर्स ने हर सीजन में नए नए लीजेंडरी पोकेमोन्स को इंट्रोड्यूस कराया था जैसे ग्राउडॉन, क्योग्रे और भी बहुत सारे थे, रेक्वाजा, ऐसे बहुत से लीजेंडरी पोकेमोन्स थे जिनके बारे में हमें धीरे धीरे बताया गया, हर पोकेमोन के बारे में हमें डिटेल इन्फॉर्मेशन दी गई थी। तो यार पोकेमोन हर तरफ से एकदम परफेक्ट एनिमे था। धीरे धीरे उनके फिर कैरेक्टर्स उन्होंने और चेंज किए तो मुझे थोड़ा बोर लगने लगा, बट हाँ पोकेमोन एकदम ही वर्थ वॉचिंग है और ये तो आपको बताने की जरूरत है ही नहीं। फिर भी अगर कोई ऐसा प्राणी बचा होगा इस धरती पे जिसने पोकेमोन नहीं देखा है तो यार मैं तो बस आपसे यही कहना चाहूंगा कि जाइए और इसे देखिए, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इसे बिल्कुल एंजॉय करेंगे। सो मैं इस एनिमे को दूंगा 9.5 स्टार आउट ऑफ 10। आप इस एनिमे को देखें और अगर देखा है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं कि आप इसे आउट ऑफ 10 कितने स्टार्स देंगे। पूरे सीरीज में बहुत सी लड़कियां चेंज हुई, तो यार मेरी जो सबसे फेवरेट लड़की पूरे पोकेमोन सीरीज में थी वो थी सबसे पहले तो मे, वो मेरी क्रश थी, होएन की रानी भी कहते थे उसे, तो वो तो सच में मेरी क्रश थी। और उसके बाद आई डॉन, तो मुझे मे और डॉन सबसे ज्यादा पसंद थे और इन दोनों में भी सबसे ज्यादा तो मे पसंद थी। तो आप मुझे कमेंट करके वो भी बताएं कि जितनी भी लड़कियां अब तक आई हैं पोकेमोन के सीरीज में आपको सबसे अच्छी कौन लगी। पोकेमोन से रिलेटेड और भी फन फैक्ट्स और पोकेमोन के डिफरेंट टाइप्स ऑफ फैक्ट्स और इसके बारे में और नॉलेजेबल चीजें हमारे अपकमिंग वीडियोस में आने वाली हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक करें गाइस, कमेंट करके मुझे बताएं कि आपको आज का मेरा रिव्यू कैसा लगा। और यार अगर आप यहाँ पे नए आए हैं और मेरी आवाज पहली बार सुन रहे हैं ना तो यार नीचे जो लाल कलर का सब्सक्राइब बटन है उसे क्लिक करें, उसके बाजू में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर दें ताकि जब भी मैं अपना नेक्स्ट एनिमे रिव्यू डालूं वो सबसे पहले आपके स्क्रीन तक पहुंचे। और गाइस अगर आप एक ट्रू पोकेमोन फैन है ना और आपके फ्रेंड भी एक ट्रू पोकेमोन फैन है तो यार शेयर कीजिए इस वीडियो को, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। चलिए एक बार फिर से पोकेमोन को याद किया जाए। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे गाइस।